अब मैं इसको जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाता है तो मैं इसको इंस्टॉल के लिए क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को ना मतलब कहीं अलग ही लेके जाएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं होगा, WPS ऑफिस में ओपन हो जा रहा है, मतलब एक अलग ही फॉर्मेट में ओपन हो रहा है। दिस फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्ट, मतलब ऐसा दिखा रहा है। तो आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें, तो गाइज़ मैं मतलब कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल रियल है, और अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इंस्टॉल करें। तो आप भी प्लेयर सपोर्ट ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइज आज की वीडियो में आपको मतलब बताऊंगा कि प्लेयर सपोर्ट ऐप किस प्रकार से डाउनलोड करें। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर में आना है, और क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च मारना है playersport.com, ठीक है। और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर सर्च मार सकते हैं, और अगर नहीं तो आप क्रोम ब्राउजर में आइए और वहां पर playersport.com सर्च मारिए, तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी वो एक मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐप है, जो कि मतलब क्रिकेट फैंसिटी ऐप के लिए डाउनलोड वेबसाइट है। तो आपको इस पर नहीं जाना, आपको सेकंड वाली वेबसाइट आएगी जो playersport.com ऑफिशियल वेबसाइट है, ओरिजिनल ऐप मिलेगा, आप यहां से कोई फेक वगैरह कोई स्कैम वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो इस प्रकार से जो मेन वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर देख पा सकते हैं आप ये ऑफिशियल ऐप पे, मैंने इनका अबाउट भी चेक किया है, तो ये मतलब एक ओरिजिनल वेबसाइट है, और उसका यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर जो भुवनेश्वर कुमार ने ऐड वगैरह भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड ऐप पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड ऐप पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा दिस फाइल हार्म, तो आपको ओके कर देना है। ये जब आप बिना प्ले स्टोर से कहीं से भी आप मतलब थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करते हैं तो आपसे वार्निंग देता है, तो कि आप मतलब क्रोम प्ले स्टोर में ये वाले ऐप मिलते नहीं है, तो आपको क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, मेरा यहाँ पर 23 MB का है, और अभी ये देखिए कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं आपको आपको इंस्टॉल करना भी बता दूँगा, ठीक है। तो जो आपकी फाइलें ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर देखिए मेरा हो गया है, तो आपको यहाँ पर जो क्लिक करना है वो जैसे आप अलग ही लेके जाएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं होगा, WPS ऑफिस में ओपन हो जा रहा है, मतलब एक अलग ही फॉर्मेट में ओपन हो रहा है। दिस फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्ट, मतलब ऐसा दिखा रहा है। तो आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें, तो गाइज मैं मतलब कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल रियल है, और अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर से ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये फॉर्मेट अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्रोम को मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको जो फाइल मैनेजर है उसमें जाना है। जैसे आप यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाते हैं तो जो यहाँ पर आपका जो मतलब आपको क्या करना है, डाउनलोड्स में जाना है, जो आपके डाउनलोड्स आइकन है तो उसमें डाउनलोड्स में जाना है, और जैसे आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पर प्लेयर सपोर्ट एंड्रॉयड एपी के इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी फाइल है इंस्टॉल के लिए पूछेगा, तो आपको इंस्टॉल क्लिक कर देना है। अभी ये कुछ टाइम का वेट मतलब इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, और मैं आपको मतलब ऐप भी दिखाऊंगा, ये ओपन के लिए हो गया, देखिए गाइस है ना। और यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ इसको, और डन करने के बाद जैसे ही अपन आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया प्लेयर सपोर्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई लोग।